नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ चार मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से, और साथ ही आगे दो मेहमान और होंगे हमारे साथ। प्रफुल्ल विठलानी होंगे, एस्टा के चेयरमैन हैं ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन के, और साथ ही श्री श्याम इंटरनेशनल के डायरेक्टर दिनेश सोनी भी होंगे। उनसे हम जीरा और धनिया के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, जीरे में इतनी गिरावट क्यों आ रही है। लेकिन चलिए सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज अच्छी रिकवरी दिख रही है, करीब करीब 1.5% की तेजी दिख रही है। बीरेन सर, क्या कच्चे तेल की रिकवरी टिकाऊ आपको लग रही है? ओपेक प्लस की बैठक के बाद दाम 10% तक गिर चुके हैं, क्या लग रहा है और गिरावट बाकी है या ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है? राष्ट्रीय मार्केट काफी गिरा था, करीबन 10-12 साल के गैप के बाद मार्केट में अब आ रहा है। लिबिया का क्रूड ऑयल भी वापस आ रहा है, लेकिन वेनेजुएला में टेंटेटिव थोड़ा डिसेप्शन आया है। एक बड़ी कंपनी की प्रोडक्शन पे उन्होंने 90 डेज का टेम्पररी मॉरेटोरियम लगाया है, तो शायद इसका यह हल्का बाउंस होगा। नॉन फार्म डेटा भी है तो उसके पहले और अगले बुधवार को फेड की मीटिंग होगी, ये देखते हुए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग, मींस जो मंथली की शॉर्ट पोजीशन थी उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ये टेक्निकल बाउंस दिख रहा है। भूपेश जी, टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है? 5,900 करंट भाव है एमसीएक्स पर, इस भाव पर क्या सलाह दे रहे हैं, किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए कच्चे तेल में आज? जी नमस्कार सर, शो पर शामिल करने के लिए धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि आपके एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल में मैंने लगातार पिछले 4 से 5 हफ्ते से लगातार 6,600 के भाव से बिकवाली की सलाह दी है, और अभी भी मैं कहूंगा कि चार्ट का स्ट्रक्चर लगातार नेगेटिव बना हुआ है। 5,900 का दाम चल रहा है, 5,950 का स्टॉप लॉस लगाकर करंट भाव पर भी बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में 5,822 और 5,777 के लक्ष्य संभावित रहे। ओके, तो ये व्यू कच्चे तेल को लेकर भूपेश जी का है। तो भूपेश जी की कॉल आपके लिए स्क्रीन पर एक बार दिखा देंगे कि क्या उनकी कॉल है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस है जिसका आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड में आज हालांकि दायरे में ही कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी है, बायसनेस ऊपर की तरफ है। गोल्ड एमसीएक्स पर अगर आप देखेंगे तो 62,500 रुपये के बेहद करीब है। भूपेश जी, क्या कॉल है गोल्ड में आज? जी सर, गोल्ड के चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, मुझे लगता है कि गोल्ड में कोई विशेष गिरावट नहीं दिखती। यहाँ से कहीं भी कोई डिप आता है 62,150 से 200 के मध्य, वहां पर गोल्ड में लेवल ही करके व्यापार करना चाहिए। नीचे में 61,890 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक बार फिर से डबल टॉप के आसपास आना चाहिए, जो कि 63,450 तक के भाव दोबारा देखने को मिलने चाहिए। ओके, सोने पर आप क्या सलाह दे रहे हैं बीरेन सर, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए गोल्ड में आज? थोड़ा सा ये क्राउडेड ट्रेड बन गया है, मींस कॉमेक्स में जो स्पेक्युलेटिव पोजीशन फंड की मैनेज मनी की होती है काफी है, तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड में जाना चाहूंगा। 62,800 के आसपास शॉर्ट, 62,200 का स्टॉप लॉस और के ओके। और चांदी में बीरेन सर क्या करना चाहिए, किस तरह की चाल आपको दिख रही है? हालांकि आज तेजी है, लेकिन क्या कॉल है चांदी में? चांदी काफी अंडर परफॉर्म कर रही है गोल्ड की तेजी पे, भी वो जुड़ नहीं पाई है, खास पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। मेटल की रिकवरी में भी वो रिलेटिवली लैगर्ड है, तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ज्यादा प्रेफर करूंगा। मैं 75,000 के आसपास पोजिशनली प्ले के लिए मैं शॉर्ट करूंगा। 76,200 का 74,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऑब्जेक्टिव 72-75 का रहेगा। हालांकि ये 3-4 वीक का टाइम फ्रेम है, तो ये व्यू चांदी पर आपका है। भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है चांदी किस तरह की चाल आगे दिखा सकती है, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? जी अगर चांदी की बात करें गोल्ड की तुलना में, तो मुझे उम्मीद मुझे दिखता है कि चांदी का चार्ट गोल्ड की तुलना में काफी नेगेटिव दिखता है, और यहाँ से चांदी में जहां भी 400 से 500 पॉइंट की
उछाला मिलता है वहां चांदी में बिकवाली करनी चाहिए, और नीचे में एक बार फिर से 74,000 और नीचे में 73,800 के लक्ष्य संभावित रहे। गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं शुगर की। कल नोटिफिकेशन आया था 3:15 के आसपास सरकार का, जिसमें इथेनॉल सप्लाईर 2023-24 के लिए गन्ने के जूस और शुगर सिरप से जो इथेनॉल बनाने को लेकर उस पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि बी मोलेसेस और सी मोलेसेस से ये बनता रहेगा, इथेनॉल बनता रहेगा। इस पर और ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी जी हैं, चेयरमैन हैं एस्टा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, इसका शुगर मिलों पर क्या असर होगा? क्या उनके कैश फ्लो पर इस कदम का असर हो सकता है क्या? क्योंकि ओएमसी से उन्हें आसानी से पैसा मिल जाता होगा, जिससे उनका जो टर्नओवर की जो स्थिति है वो बेहतर हो जाती होगी। आपको क्या लगता है इस फैसले का क्या असर होगा? आपकी बात एकदम सही है कि कैश फ्लो पे ही काफी हिट होनी है। ऐसा है कि जो इथेनॉल बनती है तो उसमें एक तो आप क्रेडिट पे जो देते हैं वो ओएमसी को देते हैं, 10 दिन में पैसा आ जाता है, 2 महीने में प्रोडक्शन कॉस्ट से वो रिकवरी हो जाती है। शुगर बनाने से, ज्यादा बनाने से ये हो जाता है कि आपको 15 महीने तक चीनी को रखना है, और 15 महीने के एवरेज यानी 8 महीने तक आप एवरेज पैसे जो रिकवरी होती है जो 1-2 महीने में हो जाती है, तो कैश फ्लो की दिक्कत होगी। दूसरा, जो इथेनॉल बेस की जो लोन ली है उसके सामने अभी चीनी के लिए लोन लेना, वो कन्वर्ट करना, उसमें भी कोई शायद कहीं कहीं पे कोई कोई कंपनियों को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। और आपने कहा कि मिलों को क्या असर होगी, तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इसमें थी इथेनॉल से, तो वो शुगर पे रहेगी नहीं रहेगी वो डाउट रहने से उनकी बॉटम लाइन पे भी इफेक्ट आ सकती है, जो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल का पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फार्मर्स और कहीं पे दूसरा कोई क्रॉप में कन्वर्ट हो जावे। ये डिसीजन जरूरी भी है क्योंकि ऑफिशियल एस्टिमेट जो शुगर कैन प्रोडक्शन का 2023-24 का है वो 59 मिलियन टन लेस देन लास्ट सीजन, तो कोई भी गवर्नमेंट को तो चिंता होगी ही उनकी जगह पे कोई भी हो कि भैया अगर 59 मिलियन मेट्रिक टन शुगर के नहीं यानी रॉ मटेरियल ही कम है तो लास्ट सीजन के जैसे कहीं कोई दिक्कत ना जाए, शुगर हमारे पास कम होगी तो क्या करेंगे। ऐसा है कि मैं सरल भाषा में आपको बता दूं तो जब ये पॉलिसी नहीं आई थी तब 290 लाख टन शुगर बननी ये एक मार्केट का एस्टिमेट था, और 35 लाख टन इथेनॉल डाइवर्जन होगा, टोटल 325 की अवेलेबिलिटी आप समझ के चल सकते हैं। अब ये पॉलिसी आने के बाद अब ये हो गया है कि 310 लाख टन शुगर की अवेलेबिलिटी रहेगी और 15 लाख टन इथेनॉल का डाइवर्जन होगा। अब जो आपने कहा कि बी मोलासिस हेवी से आप चीनी का इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एक नॉलेज देना चाहता हूं कि उसमें जो अभी टेंडरिंग हो चुके हैं वही आप बना सकते हैं। अब जब नया टेंडर ओएमसी का अगर आता ही नहीं है तो वो भी इनडायरेक्टली तो क्लोज ही है। और दूसरी बात यह है कि शुगर केन जूस से पर लीटर प्रोक्योरमेंट का रेट है 65-61 रुपया 61 पैसा, और जो बी मोलासिस है वो 60 रुपया 73 पैसा, तो वहां पे सीधा 5 रुपए की नुकसान तो इनकम ही हो जाएगी अगर ये बी भी इतना उसे दे रहे हैं तो। और सी का है 49-41, तो उससे भी ज्यादा है कम, तो सी मोलासिस से भी होने की उम्मीद कम है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये स्टेप इसीलिए लिया है कि कोई हमको शुगर का इंपोर्ट न करना पड़े और शुगर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट रहे, तो इस चीज को चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती तो ये डिसीजन ले सकती है। पर ये बेड लक है इंडस्ट्री और हमारे ट्रेड के लिए और सबके लिए, क्योंकि इंडस्ट्री अगर मजबूत है तो ट्रेड और फार्मर्स मजबूत है, अगर इंडस्ट्री वीक होती है तो पूरे सेक्टर के लिए वो अच्छी बात नहीं है। सही कहा आपने, एक तो कैश फ्लो पे असर होगा ही, साथ ही चीनी के लिए जो लोन लेना मुश्किल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो ज़्यादा हो सकते हैं, ये चिंता की बात है इंडस्ट्री के लिए। और इथेनॉल के मुकाबले चीनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसको लेकर तो अनिश्चितता बन गई है। जो प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉक कर रहे होंगे, जो मार्जिन क्लॉक कर रहे होंगे, क्या वो मार्जिन चीनी पे क्लॉक कर पाएंगे कि नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। और टेंडर हो चुके,
वही वहाँ पर ये उत्पादन भी वही कर पाएंगे, वही सप्लाई भी कर पाएंगे। अब बताइए, अब ये जो बी मोलेसेस और सी मोलेसेस के जरिए कितना पोर्शन जाता होगा सर ये एथेनॉल के लिए? देखिए, अभी जो टेंडरिंग हुई है वो 3.2 बिलियन लीटर की हुई है। उसमें से जो टेंडरिंग हुई है उसका कुछ परसेंट सुगर केन का जो कल तक बन गया है वो प्रोक्योरमेंट ले लेंगे, वो आपके फैक्ट्री में पड़ा नहीं रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं बनाया हुआ कहाँ रखूं करके। और जो दूसरा 1.2 बनेगा बी मोलासिस से, तो वो जो कमिटमेंट है यानी ओएमसी के साथ डील हो चुकी है, वो सब मिला के 15 लाख टन जो है इथेनॉल डायवर्जन के लिए सुगर केन का यूज होगा। तो जैसे मैंने बताया कि नया फिगर जो है 310 लाख टन की शुगर और 15 लाख टन इथेनॉल, तो 325 का 325 इस तरह से रहेगा। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है ना 57 लाख टन है, तो इस वजह से अगर 285 का हम पकड़ते हैं कंजप्शन, तो हमारे पास 25 लाख टन की चीनी इसमें बढ़ जाएगी अपना ओपनिंग स्टॉक 2024 के लिए, जो 82 लाख टन होगी। तो गवर्नमेंट ने ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि 2024 की 24-25 की सीजन है उसका प्रिकॉशंस भी अभी से ले लिया है। वो इसलिए कि शायद ये जो एलिनो के जो जून तक रहना है, तो शायद अगले सीजन के नंबर बहुत कम आए तो भी इंडिया 2 साल के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इसकी प्रिकॉशंस अभी से ली गई है। वो एक तरह से गवर्नमेंट का भी डिसीजन सही है और इंडस्ट्री के बैड लक है, हमारे ट्रेड के बैड लक है। विश्लानी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने बाकी चीज़ें तो बता दी, अब उत्पादन को लेकर आपको क्या लग रहा है, किस का अनुमान है? हालांकि आपने कहा था कि हम जनवरी से पहले नहीं जारी करते हैं, जनवरी फरवरी के आसपास एस्ट्रा के नंबर्स आते हैं, लेकिन अभी जो अक्टूबर नवंबर के डेटा आए थे वो पिछले साल से 11% कम है, तो कितना उत्पादन कितना कम रहने का अनुमान है इस बार? देखिए विश्वमोहन जी, ये यही बात हम बताते हैं सबको। ऐसा है कि कर्नाटक में सीजन जो है 10-15 अक्टूबर से चालू हो गई थी, बाकी पूरे कंट्री में जो है वो चालू हुई है नवंबर से। अब ये सब चीज को कंसोलिडेट करना और फिर उसके एस्टीमेट देना वो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी मैंने जो भी फिगर आपके साथ शेयर किए हैं वो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की एवरेज पे बताए, हम आहिस्ता जनवरी में ही करेंगे और जनवरी में हम बता पाएंगे। पर ये इनिशियल में आपसे शेयर कर सकता हूं कि रिकवरी जो आज के स्टेज पे यूपी में आई है अभी वो ज्यादा है, जो रिकवरी महाराष्ट्र में है वो भी ज्यादा है। पर एग्जिट फिगर जो है, अभी आप समझो कि मैंने कहा कि 310 लाख टन है, तो इसको एक आप रेंज ले सकते हैं नीचे में 300-320 की, पर क्लियर पिक्चर तो हम जनवरी में ही बता पाएंगे आपको। बैलेंस शीट के हिसाब से एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि अभी इंडिया को भले हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ सफिशिएंट हम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, प्रिकॉशनरी एक मेजर के तौर पे आपने लिया है। चलिए चलिए, लेकिन वेनेट यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह चल रहा है, वहां सीधे हम चलते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री योगेंद्र उपाध्याय, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, Distinguished guests, our officiating Vice Chancellor, Dr. Ajit Abraham, faculty, staff members, the class of 2023, and their families, a very warm welcome to you all. We are privileged to have Yogi Ji gracing this occasion. Honorable CM Yogi Adityanath's journey is as extraordinary as it is inspiring. Today, he has emerged as a stalwart leader, and his government's record has also won him admirers. Just a few months ago, a delegation of the World Bank appreciated the development work carried out by the state government in the last 6 years and praised its systematic approach to executing action plans. According to Niti Aayog data, since 2017, UP has pulled a record 5.5 crore people out of poverty under the leadership of Yogi Ji. He has also promoted entrepreneurship in UP through its UP startup policy.
As a result, more than 7,000 startups and about 50 incubation centers are operating in the state. Today, as per the central government, UP is ranked second among states in the ease of doing business rankings, marking a jump of 10 places since the last report. Yogi ji has also worked towards empowerment of women and ensuring progress reaches every corner of the state. Under his leadership, Uttar Pradesh has improved not only in terms of ease of doing business, but also ease of living as well. Yogi ji has also promoted UP as India's cultural hub. The state government is tirelessly working to save UP's ancient and heritage sites, making the state the center of India's cultural and spiritual consciousness. We hope maximum efforts are undertaken by all governments to enable our great nation to progress at the fastest possible pace for the betterment of all its citizens. A very critical part of this nation-building efforts is higher education. At Bennett University, we believe that Indian higher educational institutions can compete with the best in the world and become hubs for academic excellence, using the best available faculty and resources in the country. Hence, our vision is to establish a world-class Indian university. Bennett University has, in the short span of 7 years, flourished into one of India's most dynamic private universities, benchmarking academic excellence, innovation, and adaptability to a fast-changing world so that students are career-ready and stay ahead of the curve. Taking inspiration from Prime Minister Modi's emphasis on India taking a leadership role as Vishwaguru, at Bennett University, we ensure that students get a comprehensive learning experience that meets their needs and prepares them for the future. Every student graduating from Bennett University will have foundational knowledge of technologies like artificial intelligence. We are launching a new interdisciplinary school of artificial intelligence, where students will be able to major in AI, but with a specialization in some of the hot areas like fintech, healthcare, robotics, economics, marketing, etc. The on-campus incubator, Bennett Hatchery, has successfully mentored over 40 startups, raising external funding exceeding 120 crore rupees. The hatchery also provides access to local, national, and global markets with a seed funding of up to 10 lakh rupees for promising startups. We also have the Spark Student Club for promoting innovation and entrepreneurship events on the Bennett campus. We recognize that we must have a deeper focus on fostering invention and innovation and look forward to actively working with the government in this regard. On the fifth convocation of Bennett University, 982 students are graduating and a total of 21 PhDs are being awarded. The conferment of honoris causa, Doctor of Philosophy, in the area of management on pioneering entrepreneur founders of Zerodha, Nitin and Nikhil Kamath, is a recognition of their very significant contribution to the Indian fintech industry. Nikhil, who's here with us today, has consistently pointed out that India should focus on unique ideas instead of just copy-pasting models from abroad. Nitin was unable to travel to Delhi due to a pre-existing commitment, but will be awarded the recognition when he's next on campus. The Zerodha team relies on
need for a more affordable and efficient platform for day traders. But they have ended up doing far more than that in less than 13 years of existence, and are today rightly applauded for not just their excellent entrepreneurial skills, but their inspirational and philanthropic work as well. The company's focused on cost-effective tech-enabled solutions and is now an industry behemoth with revenues of over 6,800 crore rupees and a profit after tax of 2,900 crore rupees. We wish Zerodha all success in their endeavors. Dear graduates, this convocation is a momentous occasion, making the culmination of years of your hard work and dedication. As we gather here, we reflect not only on our academic accomplishments, but also on your transformative journeys during your time at Bennett University, where you have been equipped with the skills and resilience needed to navigate the complexities of the world outside. I take this opportunity to thank all parents and guardians who have been the wind beneath your wings as you embark on an exciting new phase of your lives. As we enter the 77th year of independence, we find ourselves amid strong growth, rapid expansion in the economic landscape, and a digital transformation fueled by a youthful demographic profile. These factors are poised to further propel India's status as one of the world's rapidly growing economies. In the fast-paced and ever-evolving world we live in, the ability to adapt, innovate, and embrace change is crucial. The global challenges we face today require individuals who can think critically, collaborate across boundaries, and contribute meaningfully to the betterment of society. I'm confident that the education you have received at Bennett University has prepared you to be those individuals. Use your knowledge and skills not just for personal success, but also for the greater good. Be leaders who inspire positive change, uplift those around you, and contribute to building a happier and more sustainable society. As you stand on the threshold of a new chapter in your lives, I want to extend my heartfelt wishes for a future filled with success, growth, and endless possibilities. You have worked hard to reach this milestone, and now it's time to embark on a journey of discovery and achievement. Embrace the challenges that come your way, for they are the stepping stones to greatness. Remember, this is not just the end of your academic journey, but the beginning of a new and exciting future. Have the courage to trust in your abilities, and don't shy away from taking calculated risks. Overcome the fear of failure, for it should not hinder your progress. Most importantly, commit to a continuous process of learning. Embrace change and foster a mindset of ongoing innovation. May you find a lifelong direction that brings professional success and immense personal satisfaction. Embrace the journey. And don't forget, the key to success lies in your willingness to be resilient, to persevere against all odds, and to keep the flame of a relentless drive burning for the many, many years of your wonderful future ahead. My best wishes for your future endeavors. Thank you.
Thank you, Honorable Chancellor Sir, for giving our students direction and purpose of life and for such a motivating speech to all of us. Thank you, sir.